एक न एक दिन ये संसार का नियम है, संसार तीति संसार जो सरक रहा है खिसक रहा बदल रहा है, तो एक दिन धरा का प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो झरा जो बरा सो बुताना, जो बनते हैं वो बिगड़ जाते हैं। तो इस तरह से परिवर्तनशील संसार में सब दिन एक जैसा रहे ये संभव नहीं है, लेकिन यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सब दिन एक जैसा हो, आगे वाला जीवन भी सुखमय हो आनंदमय हो कल्याणमय हो, तो तुझे मेरे वचनों पर ध्यान देना चाहिए। ज्यों परलोक यहाँ सुख चाहूँ तो मम वचन हृदय दृढ़ गहूँ, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई भगति मोरी पुराण श्रुति गाए। कहते हे भाई, मेरी भक्ति जो है जिसको पुराण और वेदों में गाया गया है, मेरी वचन मानो और मेरी भक्ति करो तो तुम्हारा लोक और परलोक दोनों जीवन सुखमय हो जाएगा श्री सद्गुरु। तो ये भगवान का उपदेश है। वैसे लोग जो नास्तिक विचार के हैं, जिसको खाना पीना सो जाना सब काम में पशु सना समाना यही फॉर्मूला अच्छा लगता है, तो जावम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत शरीर से पुनरागमन कुतो भवेत। जब तक जियो ऋण लेकर के भी घी पियो, शरीर जल जाएगा भस्म हो जाएगा, दोबारा कौन कहाँ आता जाता है क्या पता है, यही लोग सोचते हैं बोलते हैं। लेकिन बात ऐसी नहीं है, हर घर में कोई ना कोई मरते ही हैं। तो आप देखिए श्राद्ध संपिंडन आदि किया जाता है, क्यों किया जाता है भाई, जब मर के मिट्टी में खाक में मिल गया तो फिर खाक का क्या करना, खिलाना पिलाना है, कोई नहीं मानने को तैयार है। सब पत्र में वो जो निमंत्रण कार्ड होता है उसमें लिखते हैं कि स्वर्गीय नाना जी के श्राद्ध संपिंडन में भोज निमंत्रण है, और स्वर्ग गया नरक गया वो फोन करके वो तो बोला नहीं, लेकिन ये विश्वास है कि स्वर्गीय लिखते हैं कि वो कहीं ना कहीं गए हैं। तो उनका शरीर जला है, वो थोड़ी जला है, ये आत्मा हकीकत में इसका स्वरूप ही ऐसा है, ये ईश्वर परमात्मा का ही अंश है। जब कोई मरता है तो राम नाम सत है, हम लोग तो बोलते ही हैं, तो सत वही जो विनिशे नहीं, गुरु महाराज कहते हैं जिसका कभी विनाश नहीं होता उसे सत्य कहते हैं। दैट विच नेवर अंडर गोज एनी मॉडिफिकेशन एनी चेंजेस दैट इज कॉल्ड सत्यम, जिसका कभी नाश नहीं होता है। तो जब ईश्वर परमात्मा का नाश नहीं होता, जो त्रिकाल बाधित सत्य जो पहले थे अभी हैं और आगे रहेंगे, तो उसी का अंश जीवात्मा का भला कैसे नाश होगा, इसका कभी नाश नहीं होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, वशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहे। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी तरह यह जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग करके नए नए शरीर धारण करते रहते हैं, इसका कभी नाश नहीं होता है। अर्जुन, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणी नैनम दहति पावकः न चैनम न क्लेद्यन्ति आपो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयं अक्लेद्यो सुसेव च नित्यः सर्वगतः स्थानो अचलोऽयं सनातनः। कहते हैं अचल है, अमर है, अजर है, अविनाशी है, न त्वेवा हम जातो नाशम न तम ने मे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमत परम। हे अर्जुन, पहले तुम लोग, तुम और ये राजा लोग नहीं थे ऐसी बात नहीं है, और अभी हम लोग हैं और आगे नहीं रहेंगे ऐसी बात भी नहीं है, हम लोग पहले थे अभी हैं और आगे भी रहेंगे। तो आत्मा का स्वरूप यही है कि ये अजर अमर अविनाशी है, ये कभी मरता ही नहीं है, तो फिर करता क्या है। तो आकर चार लक्ष चौरासी योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, ये अविनाशी जीव 84 के चक्कर में किसी कारण बस पड़ गया और उसी में ये भटक रहा है। तो आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। गुरु महाराज इसी को कहते हैं, जो 84 में घूम रहे हो ना, तो इसी के निवारण के लिए प्रभु की भक्ति परमात्मा की भक्ति करो, जो अभी भगवान ने कहा कि मेरी भक्ति करो। तो कहने का अभिप्राय है कि बार बार का जन्म लेना मरना ये बड़ा दुखद है, तो बार बार जन्म भी हो, क्योंकि भक्ति जब तक पूरी नहीं होगी तब तक जन्म मरण चक्र चलता रहेगा, तो जन्म भी हो तो अच्छा जन्म हो, अच्छा घर परिवार मिले, अच्छे भक्तों के घर में हो, तो इसके लिए भी इसी को कहा जाता है परलोक, यानी लोक मतलब तो जो हाँ हम हैं इसे वृद्ध लोक कहा जाता है, और मर करके जो जहाँ हम जाते हैं उस लोक को ही परलोक कहते हैं। तो मर करके हम जहाँ भी जाए, हमारा जो भी जीवन हो सुखमय हो भक्तिमय जीवन हो, तो इसी के लिए भगवान कहते हैं भक्ति करो। तो जो नहीं करते हैं उसके लिए भी कहा
संत कबीर साहब कहते हैं, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो, अब पहला जन्म भूत का पई हो, सात जन्म पछतई हो। अभी तो कहते हम लोगों को फुर्सत नहीं, एक आदमी बोला हमको सांसों लेने का फुर्सत नहीं है, लो और उन लोगों का नाक मुंह बंद करके दिन भर का काम करते हैं क्या। एक आदमी बोला सत्संग वत्संग हमको कुछ नहीं करना, हमको तो भैया इतना हड़बड़ी है ना कि हमको मरने का भी फुर्सत नहीं है। अब वो जमदूत जब उसके घर आएगा तो बोलेगा कि चाय नाश्ता कीजिए, जाइए बाद में जाऊंगा, ऐसा होगा क्या। कबीर गर्व न कीजिए काल गहे कितकेश, अ क्या जानो कब मारी हो क्या घर क्या परदेश, वो को छोड़ने वाला नहीं है। तो अभी समय नहीं है, लेकिन कबीर साहब कहते दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो, तो पहला जन्म भूत का पई हो। हम लोग भागवत कथा में सुनते हैं कि धुंधकारी की क्या दुर्गति हो रही थी, भूख से प्यास से तरास से कंठ सूख रहा था, तड़प रहा था। तो गोकर्ण बोले कि तुम्हारी मुक्ति के लिए तो मैंने गया में पिंडदान दिया, तुम्हारी मुक्ति कैसे नहीं हुई। तो धुंधकारी बोला भैया गया श्राद्ध सत्य नापी मुक्तिर नौमे भविष्यति, आप 100 बार भी गया में पिंडदान दे दो मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं 1 नंबर का पापी हूँ। तब जाकर के अगले दिन गोकर्ण जी महाराज ये भागवत कथा का यानी अर्थात सत्संग का भव्य ज्ञान, सत्संग ज्ञान यज्ञ सुनाया गया उसको, सत्संग का की वार्ता को सुनाया गया, और तब जाकर के प्रेत योनि से छुटकारा, अर्थात कहने का मतलब कि प्रेत योनि तो बड़ा दुखद है, कांटे परले पानी पियो प्यास नहीं मर जइयो। अब देखिए किसी को भूत प्रेत चढ़ता है तो कैसा उसे प्यास लगता है, जिसके शरीर पर चढ़ता है उसके शरीर का शोषण कर लेता, ये दुखद योनि है। इसके बाद 7 जन्मों का तो एक सैंपल दिया, एक झांकी दिया, पर कितने जन्म भटकना पड़ता है ये तो बहुत बाकी है। 84 भरम के पाव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए, यानी 84 में जाना पड़ता है। तो ये सब शरीर जितने भी गिनाए गए हैं मनुष्य शरीर के अलावा, ऐसा कोई शरीर नहीं जिसमें इस आत्मा को सुख मिले। अच्छा कुत्ता बिल्ली आपके घर आता है तो कहते हैं कि डीओजी साहब आइए चाय नाश्ता कर लीजिए तब जाइएगा, फिर क्या करते हैं उल्टी लाठी से उसका स्वागत करते हैं, घुमा के मारते हैं, टंगड़ी हिलने लगता है, कहीं कहीं करके भागता है। एक गधा होता है जीवन भर मिट्टी गिट्टी ढोता है मालिक का, लेकिन कभी उसको पुरस्कार में कुछ दिया जाता है, पुरस्कार में केवल लाठी पुल्ठी मिलता है। तो ऐसा कोई शरीर नहीं जिसमें सुख है। तो धोबी के घर गधा हो यो कटे घास नहीं पियो, तेली के घर बैला हो अखियन खुलसा लगियो, तो सत नाम का टेर न करियो मन ही मन पछतियो, दीवाने मन भजन बिना दुख पियो। तो ये शरीर मिला है परलोक लोक बनाने के लिए, उसी के लिए भक्ति किया जाता है। जो भक्ति के शरण में आ जाते हैं उसका वर्तमान जीवन भी सुखमय होता है। जीवन में गुरु महाराज कहते महाराज सदगुरु हैं राजन के राजा, हैं जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा। तो महाराज हैं गुरु महाराज, कृपा के सिंधु हैं, सब कुछ है, साहब के दरबार में कमी कछु की नाहीं, बंदा तो पावे नहीं चूक चाकरी माए, उसके पास कोई कमी नहीं है। अभी पूज्य बाबा सब हैं देख ही रहे हैं कितनी बरस रही है कृपा गुरु महाराज की, किस तरह से जीवन है। तो जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो जीवन वर्तमान जीवन भी सबका, जो भी सत्संग प्रेमी है वो भी सुख से रहते हैं, शांति से रहते हैं। तो इस तरह से वर्तमान जीवन भी काम धेनु कल्प वृक्ष गुरुदेव हमारे, अष्ट सिद्धि नव निधि नित आंगन सारे। काम धेनु मतलब क्या, जो कामना कीजिए वो गुरु महाराज पूरा करते हैं, कल्प वृक्ष है जो कल्पना कीजिए वो होता है। लेकिन कब, जब हम उसके चरण शरण में रहते हैं, उसके आदेश उपदेश पर रहते हैं, जब ध्यान करते रहते हैं, सदाचार मैं जीवन जीने के लिए हमेशा जीते रहते हैं, तब गुरु की कृपा होती रहती है, वर्तमान जीवन भी सुखमय होता है। और भक्ति भजन करते करते जब शरीर छूटता है तो परलोक जीवन निश्चित रूप से सुखमय होता है। श्री सदगुरु भारत जी महाराज वर्तमान जीवन में जो राजा थे, इस देश के सम्राट थे, जब चौथेपन में तप करने के लिए गंडकी नदी के तट पर गए थे, तो फिर अगले जन्म में उसका जो जन्म हुआ था तो जड़ भरत जी महाराज बन के आए। भले बीच में थोड़े समय के लिए मिर्गा था, परंतु उसी भरत जी महाराज के आश्रम में एक मिर्गा था, मिर्गा उसी आश्रम में वास करता था, वो मिर्गा को भी सत्संग का सौभाग्य मिला, तो मिर्गा मर करके राजा रहुगण बन के आया था, और वही जड़ भरत जी के उपदेश से उसका परम कल्याण हुआ था। तो परलोक बना कि नहीं, एक जानवर का भी परलोक बना,
एक खिकिरनी थी, गुरु महाराज ये कथा बड़े सुंदर से कहा करते थे, अभी बोध कथा में है ये लिखा हुआ। तो खिकिरनी संतों के जूठन प्रसाद खाती है और ये सत्संग का चमत्कार और प्रभाव देखिए कि वो खिकिरनी राजकुमारी बन जाती है, राजकुमारी बन के वो सत्संग का संस्कार लाती है और सत्संग करते करते अगले जन्म में अद्भुत वरदान संतों से लेती है, मांगती है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म सिय राम पद यही वरदान नान, केवल भक्ति का वरदान मांगती है। और इसलिए माँ सबरी के रूप में आई और माँ सबरी के रूप में गुरु धारण करके ऐसी साधना भक्ति विश्वविख्यात हो गई। परंतु माँ सबरी के को भगवान के सामने ही परम गति परम मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो कहने का विषय है कि परलोक तो बनता ही है, लोक भी जीवन सुखमय होता है। ध्रुव जी महाराज बाल्यकाल में भक्ति करने गए, लोग कहते बचपन में भक्ति नहीं करना तो बच्चे का भविष्य नहीं होता क्या, उसका परलोक नहीं होता क्या। ध्रुव जी बाल्यकाल में भक्ति किए तो केवल बाबा महाराज नहीं बन गए, ध्रुव जी महाराज जब लौट के आए तो 36,000 वर्ष तक सम्राट बन के रहे। आज जब जीवन सुख से शांतिमय बीत गया तब ध्रुव लोक को प्रस्थान किए तो पूरा जीवन भी सुखमय आनंदमय था, आज जब शरीर पूरा हुआ तो ध्रुव लोक को गया। आज ध्रुव तारा क्या, ध्रुव लोक का वो चमक रहे हैं ज्ञान उपदेश देने के, लोक परलोक बनाने के लिए भक्ति ही करना पड़ेगा, करना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु।